वॉर के सीक्वल में क्या ऋतिक रोशन के साथ टाइगर श्रॉफ काम करेंगे? ऋतिक रोशन का वीडियो देखकर रोंगटे क्यों खड़े हो रहे हैं? वॉर के हिट होने के 5 रीजन क्या हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, वॉर के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने फिल्म का सीक्वेंस बनाने की तैयारी कर ली है और इस फिल्म में भी टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन आमने सामने नजर आएंगे। एक इंटरव्यू के दौरान सिद्धार्थ आनंद ने कहा, वॉर पार्ट 2 की संभावना है। वहीं इस बात पर टाइगर श्रॉफ का कहना है, हम इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि फिल्म दर्शकों को कितनी पसंद आती है, लेकिन बात अगर पार्ट 2 की है तो इसकी पूरी पूरी संभावना है। टाइगर और सिद्धार्थ आनंद के अलावा खुद ऋतिक रोशन ने भी इस बात पर हामी भरी। वॉर को रिलीज हुए 7 दिन हुए थे और अपने 7वें दिन ही इस फिल्म ने डबल सेंचुरी मार दी, माने 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। और अब तो ये फिल्म 300 करोड़ क्लब में एंट्री ले चुकी है। वेल, क्यों फिल्म ने मचाई धूम, क्यों की गई इतनी ज़्यादा पसंद, तो इसके पीछे है 5 रीज़न। पहला रीज़न है बेमिसाल जोड़ी। आदित्य चोपड़ा ने आधी बाजी तो तभी मार ली थी जब उन्होंने ऋतिक और टाइगर की जोड़ी को साइन कर लिया था। एक्शन और डांस में दोनों ही माहिर हैं, बॉलीवुड के हैंडसम हीरो भी हैं, दोनों की ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग भी है। एक ही टिकट में दोनों को साथ में देखने के रोमांच में दर्शक अपने आप को रोक नहीं पाए और सीधे सिनेमा घर में दौड़ लगा दी। इस जोड़ी के कारण फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ओपनिंग मिली और बाकी का काम भी आसान हो गया। रीज़न नंबर 2 है एक्शन, एक्शन और एक्शन। ट्रेलर में एक्शन सीन देखकर ही मज़ा आ गया था, तो फिल्म देखने में तो आना ही था। फिल्म में एक्शन सीन्स बेहद लाजवाब हैं जो दर्शकों को सीट पर चिपकाए रहते हैं। टाइगर श्रॉफ का एंट्री सीन तो कमाल का है। कार और बाइक के द्वारा पीछा करने वाले स्टंट्स में रोमांच ऊंचाइयों को छूता है। थोड़ी थोड़ी देर में लगातार एक्शन सीन आते रहते हैं और दर्शकों को रोमांचित करते रहते हैं। तीसरा रीज़न है नाम। जी हाँ, फिल्म का टाइटल फिल्म के कंटेंट को बिल्कुल सूट करता है। नाम देखकर ही दर्शकों ने अंदाज़ा लगा लिया कि किस तरह की फिल्म उनको देखने को मिलने वाली है और ये नाम भी दर्शकों को खींचने में काफ़ी कामयाब रहा। रीज़न नंबर 4 है तेज गति से भागती फिल्म। इस बात में कोई शक नहीं है कि फिल्म में कई खामियां भी हैं, कहानी का साथ छूटता रहता है, लेकिन फिल्म की स्पीड इतनी तेज रहती है कि दर्शकों को कुछ सोचने को ही नहीं मिलता और खामियों पर ध्यान भी नहीं जाता, इस कारण खामियां भी छुप जाती हैं। रीजन नंबर 5 है जोरदार पहला हाफ। जी हाँ, दूसरे हाफ के मुकाबले फिल्म का पहला हाफ बेहद बेहतर है। आम दर्शकों को फिल्म के पहले हाफ में ही इतना मज़ा आ जाता है कि वो कमज़ोर दूसरा हाफ भी पचा लेते हैं। वहीं फिल्म में ऋतिक के स्टंट और लुक को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया है, लेकिन अपने लुक और बॉडी पर ऋतिक रोशन ने कितनी मेहनत की है, इसका एक वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। ऋतिक रोशन ने इंस्टाग्राम पर अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो शेयर किया। इस वीडियो को उन्होंने कैप्शन भी दिया है, कबीर का दूसरा साइड पर्दे के पीछे। ऋतिक रोशन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। उनकी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन फिल्म सुपर 30 के बाद सितंबर 2018 में शुरू हुआ और वीडियो में ऋतिक कह रहे हैं, दुनिया में सबको लगता है कि मेरे पास बेस्ट बॉडी है, लेकिन मुझे इस सब से दोबारा फेस करना होगा। ट्रांसफॉर्मेशन सबसे मुश्किल काम है जिससे मुझे गुजरना था और इकलौता इंसान जिसे मुझे दोष देना था वो मैं खुद था। वीडियो में डॉक्टर्स उनकी बॉडी के स्लिप डिस्क इश्यू के बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ये दिक्कत उनकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने में आड़े आ रही है। वीडियो में ऋतिक कह रहे हैं कि उन्हें अपनी बॉडी को लेकर थोड़ी उम्मीद है और थोड़ा डर भी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन उस सब से उभरते हुए उन्होंने 1 साल से भी कम टाइम में वॉर फिल्म के पावर पैक एक्शन के लिए बॉडी बना ली, जिनकी लोगों ने खूब ज़्यादा तारीफ की है। ऋतिक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। बॉडी बनाने के उनके प्रयासों को न सिर्फ फैंस बल्कि वरुण धवन, डायना पेंटी, मनीष पॉल जैसे एक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा सराहा रहे हैं। आप कितना एक्साइटेड हैं वॉर के सीक्वल को लेकर, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।
तो